आदि जनजाति के छात्रावासों में बच्चों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन भ्रष्ट और जिम्मेदार नौकरशाह इन बच्चों की सेहत और भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बैतूल के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास से सामने आया है, जहां पर छात्रों को दिए जा रहे भोजन में इल्लियां नजर आ रही है और छात्रावास अधीक्षक कह रहे हैं कि इल्ली को किनारे कर चुपचाप खाना खा लो, क्योंकि सरकार के पास बजट की कमी है। छात्रों की माने तो खाने में इल्ली कोई नई बात नहीं, कई बार तो छात्रों से छात्रावास का शौचालय तक भी साफ करवाया जाता है, और अगर छात्रों को किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उन्हें खुद ही खरीद कर लानी पड़ती है, जबकि जांच अधिकारी इस मामले में जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो 10:30 बजे खाना मिला और सब्जी थी गोभी की, हमने उसमें देखा कि उसमें बहुत बड़ी इल्ली निकली है और मेरी थाली में बहुत बड़ी इल्ली निकली थी, और जो मतलब मेरे फ्रेंड लोग हैं अदर की थाली में 2-3 इल्लियां और निकली थी। ये कर्मचारियों ने गोभी की सब्जी बनाई थी, तो इन्होंने बताया कि एक छात्र की थाली में इल्ली निकली, मैंने खुद देखा इल्ली थी। कर्मचारियों ने अपनी गलती महसूस कर ली कि हाँ सफाई में हमसे गलती हुई है और भविष्य में अब ऐसा नहीं होगा। का छात्रावास है, यहाँ के बच्चे कलेक्टेड गए थे, उनने डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन भी दिया है शिकायत के संबंध में, वो मुझे जांच के लिए भी प्राप्त हुआ है, साथ ही जो ट्राइबल विभाग के तरफ से जो बर्डे जी आए हैं उनको भी जांच के लिए मिला है। इसमें संयुक्त रूप से जांच की जाएगी, शिकायत में 2-3 बिंदु मुख्य। युवराज जी, क्या हो रहा है छात्रावास में, बच्चों के खाने में इल्लियां निकल रही है? ये जो सीजन रहता है जिसमें गोभी की सब्जी खाने में अक्सर अपन पारिवारिक लोग भी काफी परेशानी महसूस करते हैं, इस समय इसमें इल्लियां काफी निकलती हैं, परंतु जो छात्रावास में ये सब्जी दी गई या समझ से परे होती है, इस बात को जब छात्र लोग खाना खा रहे थे उस समय उनके इसमें जो इल्ली निकली उसके लिए जब रसोइयों से पूछा गया तो उनका भी कहना था कि हमारी गलती हो गई है, हम लोग उसको पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाए थे। परंतु एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि इस छात्रावास में ये पहली बार नहीं है, यह इसके पहले भी दो छात्रावास अधीक्षक यहाँ से सिर्फ इसी कारण बदल चुके हैं कि इन छात्रों के जो खाने में इल्लियां निकलती हैं। इसके पहले भी 2-3 बार तरीके की इस तरह की घटना हो गई है और छात्रों द्वारा अधिकारियों पर इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है कि उन्हें तुरंत हटाने की बात करी जाती है। जैसे कल इल्ली निकलने के बाद भी जब अधिकारियों ने बोला की फाइल हो गई, आपकी जाँच करने के बाद में हम लोग इसे हटा दें, उनका जो जाँच होगी उसमें जगह सही पाया जाएगा तो इस अधीक्षक को हटा दिया जाएगा, परंतु उसके बाद भी छात्र लोग लगातार रात को नहीं माने और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। कुछ लोग जो खाना खाने चाहते थे बच्चे लोग, उन्हें भी कुछ लोगों द्वारा मना कर दिया गया। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो नेतागिरी भी काफी हद तक इस छात्रावास में घुस चुकी है, और एक खास बात इसमें यह है कि इन जो ये जो छात्र पोस्ट मेडिक छात्रावास इसका एक छात्रावास लाखों रुपए का बन के यहाँ से जो शहर के बाहर बना हुआ है, परंतु प्रशासन द्वारा लगातार कोशिश करने के बाद कि ये क्षेत्र छात्र वहां नहीं जाना चाहते हैं, और कुछ लोगों का कारण भी कुछ लोगों की जो चर्चाएं ये सुनने में आ रही हैं उसमें उन लोगों का आरोप भी है कि ये छात्र जो इस तरीके की हरकतें करते हैं या जो इल्ली वाली विवाद कही जाती है वो सिर्फ इसलिए भी होती है कि इन छात्रों को उस जगह पर नहीं जाना पाए, क्योंकि प्रशासन का पूरा ध्यान इस तरफ चला जाता है और ये छात्र अभी 3 वर्ष करीब बने हुए हो चुके हैं परंतु ये छात्र वहां जाने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। युवराज, एक बात यहाँ पर निकल के सामने आई है, जब सब्जी में इल्ली निकली तो छात्र शिकायत लेकर हॉस्टल अधीक्षक के पास पहुंचे तो महोदय बोलते हैं कि इल्लियों को साइड में करके खाना खा लो, बजाय कार्रवाई करने के ये कह दिया जाता है कि इल्लियों को साइड में कर दो और खाना खा लो, अगर कोई छात्र बीमार हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और जो छात्र लोग हैं ये जो छात्रावास अधीक्षक हैं वे यहाँ पे दो छात्रावास SC ST दोनों ही छात्रावास के अधीक्षक थे, ये वाला जो छात्रावास उसमें प्रभात। युवराज बने रहिए हमारे साथ इस हॉस्टल के छात्र हैं प्रवीण, फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ परेशानी आपको इस हॉस्टल में सामने आ रही है? परेशानी सामने आ रही है, और सर ये परेशानी अभी से नहीं है सर, अभी से करीबन 1 साल से है सर, जब से अतिरिक्त अधीक्षक रूप में प्रभार मिला है विजय कर सर को। सर हमारा अभी तक कोई स्थायी अधीक्षक नहीं, जिससे बहुत सारी समस्या हो रही है, खाने में सर स्पोर्ट सामग्री जो भी सुविधाएं मिलती थी प्रशासन की तरफ से वो हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे, और अभी तक जिला प्रशासन ने कोई अधीक्षक यहाँ पे नियुक्त नहीं किया है, तो बहुत परेशानी हो रही थी।
अभी हाल ही में आपके सब्जी में इल्ली निकली, ये भी मामला सामने आया है। जी सर, कल ही की बात है सर, कल सुबह 10:30 बजे जो हमने भोजन लिया सर जी, उसमें करीबन 2-4 थालियों में इल्लियां देखी हमने, तुरंत सर को बताया, उसके बाद हमने कलेक्टर सर को बताया। जी जी सर, जब आप हॉस्टल अधीक्षक के पास गए इस शिकायत को लेकर के इल्ली निकली खाने में, तो उनका क्या कहना था, क्या कहा उन्होंने? उनका तो कहना था सर, अब ये है बोले तो साइड में कर लो, बोले खाना खा लो, बोले या फिर इसे पहली बार नहीं हुआ सर, बहुत बार हो चुका है। तो उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक ने बोला कि आप खाना खा लीजिए इल्लियों को साइड में करके। जी सर, आपने सवाल नहीं किया कि हम बीमार हो जाएंगे तो फिर हमारा इलाज कौन कराएगा, हमारे कुछ हो गया तो? सर हमने पूरा बोला सर हम बीमार हो जाएंगे, कौन करेगा इलाज, और सर अभी छात्र बीमार भी हो गया तो सर उसको कल हॉस्टल में भर्ती भी किया था। जानकारी ये भी है कि हॉस्टल के अंदर आपसे शौचालय भी साफ कराया जाता है? सर हम टंकी की सफाई, टाकी की सफाई और पूरे जो हमारा उधर हॉस्टल है सर उसकी हम सफाई हम ही करते, हम कर्मचारी तो उनकी घर की सफाई करते सर, वो जो अधीक्षक है उनके। चलिए शुक्रिया प्रेमित जानकारी के लिए। युवराज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। युवराज, छात्र लगातार कह रहे हैं कि खाने में अक्सर इल्लियां निकलती रहती हैं, टंकी की सफाई उन्हें करनी पड़ती है, शौचालय की सफाई उन्हें करनी पड़ती है, अपना सामान उन्हें खुद लाना पड़ता है, तो आखिरकार छात्रावास का जो प्रशासन है क्या कर रहा है? सब कुछ छात्री करते हैं तो यहाँ पर असली में कुछ चीजें बड़ी भ्रमित करने वाली हैं। जबकि छात्रावास अधीक्षक हैं, उन्होंने काफी पहले इस छात्रावास का प्रभार से अब उनको हटाने के लिए बाकायदा यहाँ अधिकारियों को आवेदन दे चुके हैं, परंतु अधिकारियों द्वारा उन्हें नहीं हटाया गया है। और जब कल छात्रों से जो खाने मिली निकली, इसके कारण आज इन्हें आदेशित कर दिया गया है, इन्हें यहाँ से इस प्रभार से मुक्त कर दिया गया है और इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है। परंतु एक चीज यह तय है कि जो प्रशासक है उन्हें खुद ने भी अपनी गलती स्वीकार करी है, और जो खाना बनाने वाले उनका भी कहना था कि हमसे साफ सफाई में गलती तो हुई है। परंतु ये भी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो छात्र कह रहे हैं वो भी काफी सही है, क्योंकि इस छात्रावास में छात्रों से ही साफ सफाई और बाकी जो अन्य चीजें हैं वो भी करवाई जाती है। चलिए शुक्रिया युवराज जानकारी के लिए।